मुझे कहने दीजिए आज पहले की पहली मजलिस में हम मजलिस अज़ा बगैर कुरान के इस्तनाद के नहीं कर रहे, थोड़ा सा तवज्जो मेरे साथ ज्यादा करें। हम मजलिस अज़ा कुरान के हवाले से हटकर नहीं कर रहे। कुरान मजीद की तीन आयतें आपकी खिदमत में, बल्कि मैं और आप कुरान की खिदमत में चलते हैं। सबसे पहले सूरह मुबारक निसा के अंदर अल्लाह ऐलान कर रहा है, अब इसको आप इल्ला के जरिए से महसूस करेंगे। यहां फौरन अल्लाह ने इल्ला का इस्तेसना लगाया। अल्लाह को पसंद नहीं है रोडों पर मातम, अल्लाह को पसंद नहीं है ऊंची आवाज में गिरिया, अल्लाह को पसंद नहीं है किसी को बुरा लगने वाला जुमला बोलना। इल्ला मन ज़ुलिम, मगर जिस पर जुल्म हुआ है। अब इसको आप इल्ला के जरिए से महसूस करेंगे। यहां फौरन अल्लाह ने इल्ला का इस्तेसना लगाया। अल्लाह को पसंद नहीं है रोडों पर मातम, अल्लाह को पसंद नहीं है ऊंची आवाज में गिरिया, अल्लाह को पसंद नहीं है किसी को बुरा लगने वाला जुमला बोलना। इल्ला मन ज़ुलिम, मगर जिस पर जुल्म हुआ है। मगर अगर जुल्म हुआ है तो अल्लाह को पसंद है। ये मजलिस महबूबे परवरदिगार है, ये मशियत परवरदिगार है, ये मर्जी परवरदिगार है, ये रिजायत इलाही है जिसे मजलिस हुसैन कहा जाता है। अब इल्ला से पहले जितनी चीजें भी अल्लाह ने मना की है वो सब पलटेंगी। ला युहिब्बुल्लाह, अल्लाह को पसंद नहीं है। अगर जुल्म हुआ है तो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह को पसंद नहीं है मगर कौल के जरिए, अल्फाज किसी के खिलाफ ऊंची आवाज में कि दूर तक आवाज जाए, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो, शाहराहों पर जुलूस निकले, अल्लाह को पसंद नहीं है। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कौल, कुरान कह रहा है ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कौल, किसी को बुरा लगने वाला कौल ऊंची आवाज में मत बोलो। भाई थोड़ा सा ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम। तर्जुमा महसूस कीजिएगा, अल्लाह को पसंद नहीं है ऊंची आवाज में एहतजाज करना। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कौल, अल्लाह को पसंद नहीं है रोडों पर एहतजाज करना, शाहराहों पर।